अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलपीडिया। आज ये वीडियो उनके लिए ख़ास है जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं यूरोप आने के लिए और यूरोप में अपना करियर बनाना चाहते हैं और फर्दर स्टडीज़ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ सर्च कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट आपके साथ शेयर करूँगा जो स्विट्ज़रलैंड बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप स्कॉलरशिप के लिए एडमिशन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए आप मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, पीएचडी और रिसर्च के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड में जो आपको ऑफ़र कर रही है फ्री एजुकेशन। तो फ्री एजुकेशन जब बात होती है तो स्कॉलरशिप आपको कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सूटेबल है जहाँ पे आप स्विट्ज़रलैंड में एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्री आप पढ़ाई कर सकते हैं और अपना करियर यूरोप में बना सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, एंड तक वॉच करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है स्विट्ज़रलैंड की EPFL एक्सेलेंस फेलोशिप प्रोग्राम है बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के लिए। इसकी डेडलाइन है 15th of December और 30th of April। एनुअल हर साल 15 December और 30th of April से पहले आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो कोर्स अलर्ट्स है वो 2024-25 बैच के लिए अभी ओपन है। तो फील्ड आप जो स्टडीज़ है वो मास्टर्स है और बैचलर्स है। ये फाइनेंस कर रहा है EPFL, होस्ट कर रहा है इंस्टीट्यूशन जो है इकोले पॉलिटेक्निक EPFL फेडरेशन द लूसर। तो इसमें जो स्टडी कर रहे हैं आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे, बैचलर्स के लिए, और फेलोशिप जो वैल्यू है वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है, बैचलर्स के लिए है स्विस फ्रैंक 10,000 पर सेमेस्टर और एकोमोडेशन आपको फ्री दिया जा रहा है EPFL की तरफ से। इसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे ये जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। इस वेबसाइट को आप स्टडी करें और डायरेक्टली EPFL से कॉन्टैक्ट करें और अपना जो मास्टर्स प्रोग्राम है या बैचलर्स प्रोग्राम है वो सिक्योर करें। एक और यूनिवर्सिटी है ETH Zurich एक्सलेंस मास्टर्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये 15th of December एनुअल 2024 बैच के लिए ओपन है अभी। और फील्ड ऑफ स्टडी जो है मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स हैं। स्कॉलरशिप वैल्यू जो है स्विस फ्रैंक्स 12,000 पर सेमेस्टर, 12,000 स्विस फ्रैंक्स पर सेमेस्टर। अकोमोडेशन ट्यूशन फ्री ये प्रोवाइड कर रहे हैं आपको फ्री। और आप इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, वेबसाइट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ETH का प्रोवाइड करूँगा। एक और स्कॉलरशिप है फ्रेडरिच नॉर्मन फाउंडेशन स्कॉलरशिप। ये स्विट्ज़रलैंड आपको ऑफर कर रहा है। डेडलाइन इसकी है 31st October, 30th of April, 30 April और 31 October एनुअली ये जो प्रोग्राम है उसकी डेडलाइन है। इसका कोर्स जो है स्टार्ट हो रहा है 2024 अक्टूबर और अप्रैल में। ये ओपन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे एशिया के कंट्रीज़ है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। ये होस्ट कर रहा है जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड कम्बाइन। आप जर्मनी में भी स्टडी कर सकते हैं और स्विट्ज़रलैंड में भी ऑप्शन अवेलेबल है। फील्ड ऑफ स्टडी है LLM, MBA, पार्ट टाइम डिग्रीज हैं और बैचलर्स डिग्री है नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। जो डॉक्टरेट स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो डेंटिस्ट्री में है, मेडिसिंस प्रोग्राम्स में, पोस्ट डॉक्टर प्रोग्राम्स है, प्रोजेक्ट्स है, वो फ्रेडरिच नॉर्मन फाउंडेशन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो स्कॉलरशिप वैल्यू है 861 यूरोज़ पर मंथ इसका वैल्यू है। और इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा, आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, नेस्ले की तरफ से, नेस्ले एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड, वो ऑफर कर रहा है MBA स्कॉलरशिप फॉर वेमेन। औरतों के लिए जो है, फीमेल्स के लिए है, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ख़ासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, एशिया, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। इसकी डेडलाइन है 15th of July एनुअल और कोर्स स्टार्ट जो हो रहा है वो January 2024 से स्टार्ट है। फील्ड ऑफ स्टडी है MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्कॉलरशिप वैल्यू जो है स्विस फ्रैंक्स 25,000 ये आपको ग्रांट कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए। और इसके लिए आपके अप्लाई कैसे करेंगे और अप्लाई में आपके लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करूंगा, वहां पे आप फर्दर इंफॉर्मेशन
ले सकते हैं। नंबर फिफ्थ है EPFL ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आप PhD डिग्री जो है फेलोशिप्स के लिए अप्लाई करेंगे। डेडलाइन इसकी 15th of April जो है एनुअल है। और नंबर सिक्स है अल्फ्रेड वार्नर मास्टर्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये खास उनके लिए है जो केमिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। डेडलाइन इसकी 31st of March एनुअल है। और फील्ड अप स्टडी जो है MSc डिग्रीज इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए। और इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करूँगा। आप फर्दर उनके साथ कॉन्टैक्ट करें और इसके लिए अप्लाई करें। अगर आप MBA करना चाहते हैं स्विट्ज़रलैंड में, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप बेस पे। IMD प्रोवाइड करती है MBA डाइवर्सिटी स्कॉलरशिप। फील्ड ऑफ स्टडी है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कोर्स स्टार्ट हो रहा है जनवरी 2024 में। स्कॉलरशिप वैल्यू जो है वो स्विस फ्रैंक्स 30,000 पर सेमेस्टर आपको दिया जा रहा है स्टडी के लिए। और इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं प्रोवाइड करूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पर फर्दर इन्फॉर्मेशन उनके साथ ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न मास्टर्स ग्रांट जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो है। फील्ड ऑफ स्टडी है मास्टर्स डिग्री। बहुत सारे मास्टर्स कोर्सेज हैं जो आप उनकी लिंक से ले सकते हैं। कौन कौन से जो है मास्टर्स प्रोग्राम है वो आप लिंक में उनकी वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक प्रोवाइड करूँगा। अगर आप रिसर्च के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं PhD के बाद, तो वो आप एक यूनिवर्सिटी है मैरी क्यूरी इंटरनेशनल ऑफर कर रहा फेलोशिप फॉर डेवलपिंग कंट्रीज हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। इसके लिए एलिजिबिलिटी PhD है। और अगर आप फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं अपने फील्ड को लेके और अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड ऑफर करता है मैरी क्यूरी इंटरनेशनल फेलोशिप प्रोग्राम। और इसके लिए जो है थर्ड कंट्रीज एलिजिबल है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। PhD इसके लिए एलिजिबिलिटी है, या 4 years रिसर्च आप एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन आप उनके साथ कॉन्टैक्ट। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए JIM एलर्ट MBA स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, स्विट्ज़रलैंड ऑफर करता है। फील्ड ऑफ स्टडी जो है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। स्कॉलरशिप वैल्यू जो है, जो अमाउंट दिया जाएगा आपको स्टडी के लिए, वो स्विस फ्रैंक्स 20,000 पर सेमेस्टर है। और उसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, आपको मैं वेबसाइट लिंक आपको वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा। आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करें और फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर आप अपना करियर स्विट्ज़रलैंड में और यूरोप में बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है और बिल्कुल आसान है अप्लाई करना। इन इंस्टीट्यूशंस को के साथ कॉन्टैक्ट करके, यूनिवर्सिटीज़ के साथ कॉन्टैक्ट करके, आप अपना फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो आप चूज़ करें और आप स्विट्ज़रलैंड में अपना करियर बनाएं और यूरोप में अपनी डिग्री हासिल करें और अपना जो है करियर आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।